ऐसा नहीं है कि शहर में बीजेपी का मोह भंग हुआ है अभी भी शहर में भिवाड़ी नगर परिषद में हम अलवर जिले में जो चुनाव लोकसभा को उसमें हम लूज कर गए थे परंतु भिवाड़ी नगर परिषद शहर से अभी भी जीते हम सात आठ हज़ार वोटों से ऐसा नहीं है कि बीजेपी से शहर का मोह भंग हो गया बीजेपी कहीं कमज़ोर नहीं है बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी शहरी मतदाता का जो रुझान था वो बिल्कुल खत्म हो गया बीजेपी की तरफ से अभी आप पिछले चुनाव में देखें उपचुनाव लोकसभा के उपचुनाव देख लें पंचायत राज के और नगर पालिका के उपचुनाव देख लें लोकसभा के के अंदर के, सारी के अंदर शहरी की सारी विधानसभाओं बीजेपी पिछड़ी है तो सुनते जाइए बीजेपी के नेताओं को सुनेंगे तो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है ना जनाधार खोया जा रहा है और ना ही सीटों को खोया जा रहा है कांग्रेस को सुनेंगे तो कहेंगे कि उपचुनाव का इतिहास उठा के देख ले बीते चार सालों का बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि कहां पर जनाधार को खोया और कहां पर उन्होंने अपनी सीटों को खो दिया है लेकिन आज हम बात करें कि क्या वाकई में जंग जनाधार जन्य जो दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है उसमें बीजेपी तेजी से संभल रही है उसको यह समझ में आ रहा है कि अगर अब रूठों को मनाया नहीं गया एंटी इनकमेंसी को खत्म नहीं किया गया तो फिर उपचुनाव में उतरना मुश्किल हो जाएगा और क्या वही वा, 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 वाकई में कांग्रेस ये सोचकर बैठ गई है कि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश इस कदर आ चुका है कि उसको करने की जरूरत कुछ है ही नहीं पंकज भाई ये मान लेते हैं ना सीधा ही मान लेते हैं कि बीजेपी को समझ में आ गया उपचुनाव हारने के बाद कि कहां कहां कहा, क्या क्या कमी रह गई उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है क्यों हम ये बार बार कहते हैं कि नाराजगी नहीं है नहीं नाराजगी तो देखिए कतई नहीं है और जब सरकार होती है सत्ता होती है तो छुटपुट बातें होती है उसमें कोई बात नहीं है परंतु तो जैसे अभी आपने कार्यक्रम का एक नाम रखा जंग जनाधार जी जब जंग होती है तो सैनिकों की ट्रेनिंग भी होती है सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई एक्सरसाइज भी की जाती है तो साथ में हथियारों को धार भी किया जाता है मांझा भी जाता है तो कुल मिला आप अगर जंगे जिनादार कहते हैं तो ये सब उस प्रोसेस का हिस्सा मान लीजिए कि हमको जब आज के छः महीने बाद में एक जंग में जाना है उससे लड़ने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने सैनिकों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं अपने हथियारों को धार कर रहे हैं तो सर जीत ही अंतिम लक्ष्य है इसके लिए फिर देखिए सत्ता की राजनीति है और राजनीति में जीत ही अंतिम लक्ष्य होता है इसमें कोई कतई दो नहीं है और एक बार जीतने के बाद में ठीक एक सर, के आपने साथ में इसको बदला इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि 2013 में कहा गया था कि जनता की राजनीति है ना वो सत्ता की राजनीति तक बदल आया शुक्रिया सर ये सब कुछ बताने के लिए लेकिन जरा बताइए फिर बारह का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं वहां पर उपसभापति की कुर्सी थी बीजेपी के पास थी अविश्वास प्रस्ताव हुआ वहां से हट गए बीजेपी ने दूसरा उतारा नहीं ऐसा क्यों विजेंद्र जी जैसा मैंने बताया ये राजनीतिक दल है राजनीतिक दल सब में का असर आ रहा है। इस तरह की छोटी बड़ी बातें होती, बात होती है इस तरह कांग्रेस आने वाली है पूरी तरह छोटी मोटी बातें होती है आज अगर हम बात करें तो ऐसे एकादश उदाहरण मिल जाएंगे पर उससे कोई जनाधार खिसक रहा है ऐसा कंक्लूजन पे आ जाए ये एक बहुत बड़ी जनता है तो ये कह सकते हैं की भारी नाराजगी है उसको दूर करने का लक्ष्य दिया जाए हाँ, भाई ये कह सकते हैं कि भारी नाराजगी है बिल्कुल ये तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने बोला कि कुछ नाराजगी हो सकती है जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ओपी जी सर क्या वाकई में आपको लग नहीं रहा कि जितने तरीके से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी कम से कम अलर्ट मोड में आ गई है उसको समझ में आ गया है कि बीते चार सालों के बाद जो हशर हमारा हो चुका है उपचुनाव में बाकी बा इलेक्शन के अंदर अब अगर तेजी से हम बदले नहीं रूठों को मनाया नहीं अपनों को साधा नहीं तो फिर इस जंगे जनाधार में बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिल्कुल सही बात है नाराजगी बहुत ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं है इसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी उनको नारे लगाए गए काले झंडे दिखाए गए वसुंधरा जैसी बोलने खड़ी हुई इतनी सुरक्षा के बीच में भी हुई मतलब लोगों ने हल्ला किया इसका मतलब यह है कि जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है अभी जी भी। तो इसलिए इसको संभलना पड़ेगा संभल रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये कर भी नहीं रहे हैं काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कितना तो समझ पाते हैं ये आगे वक्त तो बताएगा लेकिन सर अभी आक्रोश है बिल्कुल बिल्कुल जनता ने इनको सबक इसीलिए सिखाया कि इसके जब समझ जाओ तो ठीक है जनता की तरफ ध्यान दो कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान दो तो हो सकता है कि बात बदल जाए ठीक है सर और जरा कांग्रेस के बारे में बताइए जो ट्रायल ट्रॉफी समझ रहे है। ने, ने, को, मतलब वो नहीं है बीजेपी को सबक सिखाने के लिए लोग ये कर रहे हैं बाकी ये नहीं है कि कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है कांग्रेस में अभी लड़ाई है दोनों अशोक गहलोत और वो लड़ रहे हैं बोला है झगड़ा नहीं कर रहे जो दरिद्र होता है उसके लिए सहानुभूति होती है कांग्रेस का ये हाल हो गया नहीं कोई आप कह रहे हैं सहानुभूति सब, मैं थोड़ी कह रही हूँ सहानुभूति सब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के, के, के विरुद्ध वोट जाएगा गलत वादों झूठे वादों के लिए गलत जाएगा युवाओं को जो गलत सपने दिखाए थे इसके विरुद्ध वोट जाएगा महिलाओं के जो महंगाई मेंगा, महंगाई का जो आक्रोश है उसके विरुद्ध वोट जाएगा इन सी तमाम बातों के लिए विरुद्ध वोट कांग्रेस पार्टी खाली झूठा केवल झूठ बोला जितना भी जिक्रे जरा जितना भी जिक्र आप कर रहे हैं वो तो आप जिक्र कर रहे हैं विरोध का हम तो बात करें पक्ष की कांग्रेस के पक्ष में क्यों जाएगा ये बताइए कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है छत्तीस के साथ लेके जाती है और जो का काम नहीं है। ला पाई थी तो वो, वो तो हारजी तो चलती रहती है इसमें क्या बात है हारजी तो मानी अभी बीजेपी अच्छा ठीक है मैं ठीक है बहुत गंभीरता से मैं पूछ रहा हूँ नेताओं के जरा जिक्र कीजिए कि गंभीरता के साथ कैसे प्रदेश की जनता के साथ खड़े बताइए सर बिल्कुल खड़े अशोक गहलोत जी गंभीरता से खड़े हैं जो विधानसभा नहीं, नहीं जाते सचिन पायलट लेकिन, लेकिन वो काम अपना गंभीरता से कर रहे हैं विधानसभा है में गंभीरता नहीं है वो गंभीर नहीं है नेताओं के राज्यपाल का अभिभाषण नहीं थे अशोक गहलोत जी सर पंजाब में जी जिला गुजरात में विधानसभा सूत्र के दौरान खेलते हैं राजस्थान के नेताओं का राजस्थान में जिक्र कर ले ना मुझे त्रिपुरा जाना ना मुझे मेघालय जाना राजस्थान राजस्थान में मुझे बताइए नेता प्रतिपक्ष आपके जिस दिन अभिभाषण होता है उस दिन दिल्ली होते हैं डिबेट कर चुके हैं कई बार डिबेट कर चुके हैं वो बाकायदा राहुल गांधी जी के पास से दरअसल जो बाई इलेक्शन जीते थे उनके साथ वो वहां पर सहारा बंधवाने गए थे कोई बीमार बीमार नहीं थे विजुअल हमने दिखाए तस्वीरें दिखाई है ये नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचते नहीं है ये उनकी गंभीरता गंभीरता बिल्कुल है आप माने या न माने वो हम, हम जनता मानती है दो हजार में हम दिखा देंगे कि हम कितने गंभीर हैं आपको रिजल्ट का पता पड़ जाएगा बढ़े ठीक है, है।, है, है। ओपी जी ये ठीक है बीजेपी चार साल कुछ नहीं दिखाएगी और कांग्रेस अंतिम साल में दिखाएगी जनता के लिए पंचवर्षीय योजना सिर्फ चुनावी साल तक सीमित है दोनों ही पार्टियों के लिए ये टेंडेंसी हो गई है कि चार साल तो मजे करो लास्ट में जाके कुछ काम करने की कोशिश करो तो वो लोग समझते हैं जैसे कोई अंतिम समय में आदमी दान पुण्य करता है ना कि भाई मैं गऊ दान कर देता हूँ ये दान कर उससे कोई जिंदगी भर के पाप थोड़ी जुलेंगे जी इसलिए पार्टी को दोनों पार्टियों को ये देखना पड़ेगा कि भाई मतलब पूरे टाइम काम करें जब भी उसकी सफलता मिलेगी लास्ट टाइम में काम करने से सफलता नहीं मिलेगी लेकिन लोग समझने लगे बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने इतने काम किए हैं कि गिनाते गिनाते लगभग पूरा साल गुजर जाएगा क्या जनता को दिखाई नहीं दी जनता को अच्छा जनता जनता छोड़ देते हैं सर की तो उम्मीदें ही बहुत ज्यादा होती है। विधायकों को भी दिखाई नहीं दी भाई कुछ ना कुछ तो बात है ही है कुछ किए हो तो पता चले बताना चाहिए बताते तो लोगों को पता भी चलता और ऐसा होते फील भी होता है सड़कों का विकास हुआ है इसमें कोई शक नहीं है काफी अच्छा हुआ है पूरे प्रदेश में हुआ है और क्या क्या विकास हुआ है ये शिक्षा क्रांतिकारी क्षेत्र में आपको बता रहा हूं नब्बे फीसदी राजस्थान के स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं ये क्रांतिकारी है इक्यावन फीसदी माध्यमिक स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं ये भी क्रांतिकारी है और उच्च उच्च शिक्षा के अंदर इकतीस फीसदी स्कूलों में बिजली नहीं है यह भी क्रांतिकारी है आप जानते हैं कितनी जगह कंप्यूटर है कितनी जगह टीचर्स हैं कितने बेरोजगार सड़कों पर है यह क्रांतिकारी है

क्रांतिकारी परिवर्तन होता है सर एक क्रांतिकारी काम पंकज भाई। रजिस्ट्रेशन जिस्ट्रेशन जिस्ट्रेशन कला शिक्षा राजस्थान में अनिवार्य है। पंकज भाई एक और जिक्र कर रहा हूँ क्रांतिकारी जिक्र कर रहा हूं सुनिए सर मार्केट में भाई एक और क्रांतिकारी जिक्र शिक्षा के क्षेत्र में कला राजस्थान के अंदर अनिवार्य है कंपल्सरी है ये बाकायदा कहा गया आप जानते हैं एक भी कला का शिक्षक नहीं पिछले सत्ताइस तो सालों से भर्ती नहीं हुई है पिछले चार साल के अंदर हमने नब्बे हजार टीचर्स की भर्ती करी है जिसके बाद में हमने और उसके साथ में एक लाख टीचर्स का प्रमोशन किया हमने सर हम तो सर सार ये सार भी बता दीजिए राजस्थान में कितनी भर्तियां दे थी अब तक बिल्कुल नब्बे हजार तो केवल शिक्षा विभाग में भर्ती हो चुकी है और सवा लाख इस पेंडिंग है जो इस छह महीने के अंदर हमने करने का लक्ष्य देने का कुछ भी नहीं होगा अंगज भाई ये भी ये भी आंकड़ा दीजिए ना जरा कि रिटायर कितने हुए हैं

नगर पालिका नगर परिषद में आक्रोश था कार्यकर्ताओं में आक्रोश था वैकेंसी खोल दी गई यह सब इंडिकेट नहीं करता कि नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है हर तबके के अंदर जो बीते चार सालों में नहीं किया गया बिल्कुल भिल, विजेंद्र जी आप इस बात को स्वीकार करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये बात हमारे मान्य प्रदेश में वही तो कह रहा हूँ के बाद याद आ गया बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके हैं तो वहाँ हमारे मान्य मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है इसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे ये हमारा उसका प्रोसीजर है परंतु परन्तु तो सर कोई चार साल के लिए माफी क्यों नहीं मांगता है साढ़े चार साल हो गए साढ़े चार साल बाद मांगता स्वीकार किया है मैं आपको अगर चार साल में वैकेंसी नहीं निकल पाई तो माफी कोई क्यों नहीं मांगता है विजेंद्र जी आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए ये केवल और केवल कांग्रेस के के का झूठ था जो उन्होंने चलाया जब हम आपको एक एक चीज का दे रहे हैं कि काम हो रहा है क्या ग्रामीण गौरव पद में हुआ क्या हाईवे निर्माण में हमारा अभूतपूर्व काम नहीं हुआ क्या शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम नहीं हुआ क्या आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं पहली बार ऐसा हुआ की पिछले चार साल के अंदर चार आई एस ऑफिसर जेल में गए क्या कभी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ की किसी राज्य में चार आई एस ऑफिसर जेल में गए हो क्यों क्योंकि

साथ में यह भी बताइएगा कि पीछे दो 2012 में वादा जो किया गया था कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा उसका क्या हो गया इसके अलावा भी तमाम वादे थे किसानों को लेकर भी वादा था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा उसका क्या हो गया लेकिन मेरा सवाल इन सबसे अलग है कि जो खुद के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उनको भी दूर करने की जो नौबत है वो अंतिम साल में आई क्योंकि लगने लगा कि अब अगर ऐसा नहीं किया गया तो जंग ए जन आधार के जरिए आधार खोब छोटे से ब्रेक के बाद चल इस बार वोटों का परसेंट कम पड़ा है उस वजह से क्या है कि ये इसका नेगेटिव इफेक्ट रहा है बाकी ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता है वो हमेशा खुशी रहते हैं और जो भी है अपने मन लगा कर सेवा कर रहे हैं और इसका रिजल्ट अभी मिला ही है